हाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के लिए। तो मेरे सामने मौजूद हैं मेरे कैमरामैन, मेरे भाई अनवेश यादव। तो आज एक नए कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहे हैं। मैं मतलब मशहूर था पहले भी, मतलब स्कूल में अपने स्टोरीज़ के लिए। तो आज ऐसी ही एक सच्ची घटना पे मतलब कुछ बता रहा हूँ मैं, पर वो रियल घटना है, आप झूठ मत समझना, पर ये बिल्कुल सच्चा है। उसमें क्या था कि मैं शायद था सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में था यार। तो हमारे ये जादूगर की कहानी तो सभी को मतलब पता होगी कि जादू फेक होता है, मतलब हाथ की ट्रिक होती है, पर मैंने ना कुछ अलग ही देखा था, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसा। तो क्या था कि हम मतलब जो हमारे घर था ना, हमारे घर के सामने ही मतलब छोटा सा वो है, सामने जगह है, वहाँ पे एक जादूगर आया खेल दिखाने। तो उसने क्या किया कि मतलब वैसे जैसे डमरू वगैरह बजाते हैं वगैरह, वो किया। उसके पास है ना मतलब दो तीन चीज़ें थी, एक धामा पता होगा, मतलब वो हेल वगैरह गिरते हैं वगैरह, उस टाइप का धामा था। और उसके पास था क्लोथ जो मतलब उसको साफ साफ कह रहा था, मतलब क्लोथ को बांध रखा था, ब्लैक क्लोथ को। डमरू बजा रहा था, कुछ कर रहा था। तो फिर उस मतलब कुछ समय मतलब कुछ बोला उसने। फिर सपना, मतलब कई जानते होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, सपना की जो पापा है ना, उनको बोला कि भैया आओ सामने। तो वो आए भाई हमारे सामने, मतलब जादूगर के सामने। तो वो बैठ गए, तो बोले कि बताओ, मतलब ऐसा कुछ बताओ जो है ना मतलब इस धामे के अंदर मैं ला सकूँ। तो उसने मतलब पहले तो कुछ एक मंत्र बोला था, मेरे को याद नहीं है, उसने मंत्र बोला, घेरा बनाया। फिर उसके बाद ये बोला कि मतलब सपना के पापा कि जो भी बोलोगे ना वही इसके अंदर आ जाएगा, बस ऐसा बोलना कि जो इसके अंदर आ सके। तो फिर सपना के पापा सबसे पहले बोलते हैं, बताओ गैस करो क्या चीज़ बोलेंगे। ओल्ड मॉन्क, मोस्टली को बताओ ओल्ड मॉन्क क्या है, मतलब दारू की बोतल एक। तो उसने दारू की बोतल बोली, फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि हे शंभू हे नाथ, पता नहीं क्या बोला था। फिर वो उसने मतलब ऐसे धामा उठाया, मेरे सामने माँ कसम सच्ची बता रहा हूँ, उसने धामा उठाया और देखा कि ओल्ड मॉन्क पड़ी है, मतलब लेके आया कतई क्रिस्टल क्लियर। फिर भाई साहब बोला कि एक बार और बोलो, आप जो बोलोगे वो आएगा। तो उन्होंने बोला कि एक पैसों की गड्डी आ जाए, कितने की, मतलब सौ सौ की थी शायद पैसों की गड्डी। उसने बोला, फिर मंत्र बोला, फिर से आया भाई साहब। फिर उसने मतलब एक हाँ फिर बोला कि टैबलेट आ जाए, टैबलेट मतलब वो टैबलेट नहीं, मतलब आईपैड टाइप टैबलेट। तो टैबलेट बोला, टैबलेट आ गया। फिर क्या बोलते हैं, उसने बोला लैपटॉप आ जाए, लैपटॉप बोला, लैपटॉप भी आया भाई मेरे सामने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे आँखों देखी है ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ बोलता रहा। फिर हमारे मतलब मेरे चाचा गौरव हैं, उनकी शादी भी नहीं हो रही थी पहले। चलो गौरव अगर आप देख रहे हो तो माफ करना। तो मेरे चाचा गौरव हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब अंगूठी वगैरह है ना, वो मैं देता हूँ, मेरे गुरु की कृपा से मैं मतलब जो भी बोलते हो ना, एक इच्छा सिद्ध हो जाती है इस अंगूठी को पहनने से। तो चाचा गोरा ने भी फिर जो भी बोला कि गारंटी है, अगर सिद्ध नहीं हुई ना तो मेरे को वापस दे देना, मैं वापस पक्का आऊँगा अगर सिद्ध नहीं हुई तो। तो भाई साहब उन्होंने ले ली 500 की एक अंगूठी थी, मेरे को याद भी है अभी तक रेट। तो उन्होंने ली अंगूठी पहनी और 3 महीने के अंदर रिश्ता हो गया था उनको। तो जितने भी नल्ले नवार बैठे हुए हैं, तो मैं वो करूँगा आपको भी ऐसे कोई मिले। हाँ, और हाँ जो बोले, फिर सभी बोलने लगे, अगर आप ऐसे चमत्कार दिखा रहे हो, पैसों की गड्डी ऐसे लेके आ रहे हो, तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, रुपए क्यों ले रहे हो। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली थी, ये आंखों का नज़र बंद है, मेरे को बस मैंने मतलब मेरे गुरु से मंत्र सीखा और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी कला के अनुसार। तो अगर मैं इसको यूज़ भी करूँगा ना, तो एक मतलब अलग मतलब अगर मैं ये यूज़ करके किसी दुकानदार के पास जाता हूँ वगैरह, किसी के पास जाता हूँ, तो फिर वो मेरी जो कृपा है, गुरु की कृपा है, वो मेरे से चली जाएगी, मतलब मेरे से नहीं होगी फिर, ये मैजिक मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, होप यू लाइक इट, शेयर इट एंड थैंक्स।